अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों हाजिर है खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज बड़े टाइम बाद, बड़े अरसे बाद वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं, कुछ उम्र के हालात ऐसे आ जाते हैं, कुछ महंगाई इतनी हो जाती है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात में मगन हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ब्लॉक 19X, साथ में दोस्तों ब्रीटा, दो किस्म की ब्रीटा और दूसरे दो किस्म की हम बात करने वाले हैं 10 शॉर्ट पिस्टल दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वो हजरात जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग लाइसेंस हासिल करें। लाइसेंस हासिल करना हमारा कानूनी हक है। लाइसेंस ना होना और ये हथियार खरीदना या रखना कानूनी जुर्म और इखलाक में गलत है दोस्तों। साथ में इनके प्राइजेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं वीडियो टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं ग्लॉक 19X। ग्लॉक 19X है क्या चीज़, कैसे पिस्टल है ये, क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों ग्लॉक 19X दरअसल ब्लॉक 19 पिस्टल है दोस्तों। बड़ा ही प्यारी क्वालिटी का बैरल इसमें इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 3 टाइप्स का ये बैरल इसमें मिलता है। ये इस तरह मेरे साथ तो है, वो छोटी वाली जूम वाली तो कैमरा है नहीं कि जिसमें बैरल के अंदर के साथ जो है मैं आपको क्वालिटी जो है चेक करा सकूँ आप लोगों को। लेकिन 10-45 की इसमें बैरल इस्तेमाल की गई है। इसमें 2 टाइप्स और भी बनते हैं बैरल्स, जो कि एक तो स्क्रैप मटेरियल से होता है और एक नॉर्मल जो आम लोहा होता है उससे बनाया जाता है, और एक ये वाला है। ये वाला जो बैरल है ये कदर महंगा है। तो जो A+ क्वालिटी का ब्लॉक तैयार किया जाता है दोस्तों, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसमें जो स्लाइड इस्तेमाल की गई है, बेहतरीन क्वालिटी की इसमें स्लाइड भी इस्तेमाल की गई है। मैं चेक कर लें दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये कलर भी इसका बड़ा बेहतरीन टाइप का कलर हुआ है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों ये ग्लॉक चूंकि 19 है, इसका ये जो स्लाइड और वो हो गया बैरल वगैरह हो गया, लेकिन इसमें मैगजीन जो है ये ग्लॉक 17 का लगता है, 17 राउंड आते हैं इसमें। असल में इसमें जो ये पॉलीमर इस्तेमाल किया गया है, ये जो लोअर बॉडी है इसके, समझ लो कि ये ग्लॉक 17 की है और अपर साइड जो है ये ग्लॉक 19 है। तो एक किस्म का ग्लॉक 19 को मॉडिफाई किया गया है ग्लॉक 17 में, जिसमें आपकी पिस्टल साइज जो है वो तो उतनी ही ग्लॉक 19 की जितनी ही रहती है, लेकिन आपके राउंड की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली 14 से जो है 17 राउंड्स पे चली जाती है। बहुत ही प्यारा पिस्टल है दोस्तों, बेहतरीन पिस्टल है। इस पिस्टल की कीमत दोस्तों 30,000 रुपये है, बड़ा ही बेहतरीन। सेफ्टी के लिए बेस्ट पिस्टल है, लेकिन घर में रखने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। ग्लॉक मुझे सारे पिस्टल्स में से, ग्लॉक हो गया, ब्रेटा हो गया, जिगाना हो गया, CZ75 हो गया, तो सारे पिस्टल्स में से मुझे जो है ग्लॉक ज़्यादा पसंद है। सिर्फ इसमें सेफ्टी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेफ्टी ऑप्शन नहीं होता इस वजह से ये मुझे पसंद नहीं है। बकाया बहुत ही दोस्तों प्यारा पिस्टल है।
तो चलिए दोस्तों आते हैं ब्रिटेन की तरफ। दोस्तों ब्रिटेन में दो टाइप ऑफ पिस्टल्स मेरे साथ अभी एट द मोमेंट अवेलेबल है दोस्तों, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों की क्वालिटी में भी फ़र्क है, इन दोनों के मटेरियल में भी फ़र्क है और इन दोनों के कारीगर में भी फ़र्क है। साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है लेकिन क्योंकि ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है दोस्तों। ये जो वाला ब्रिटा है इसमें विदाउट लेज़र, ब्रिटा FS92 वो ये विद लेज़र, ये M9 का जो लोअर पार्ट है उस तरह है और ये विदाउट लेज़र वाला है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, मैगजीन कैपेसिटी के बारे में अगर बात की जाए इसकी तो तकरीबन 14 राउंड्स इसके मैगजीन में आते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसके इनर आउटर पार्ट के बारे में बात की जाए दोस्तों, इनर जो पार्ट्स हैं दोस्तों, साथ में इस तरह दिखा भी देता हूँ, अच्छी चीज़ की देख के इंसान पहचान कर लेता है, थोड़ा सा तजुर्बा होना चाहिए बस, पता है अच्छी चीज़ के ऊपर बहुत जो है पहचान हो जाती है दोस्तों। इसमें जो ये नीचे वाला एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है, 7050 का एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है, बड़ा ही बेहतरीन क्वालिटी के लिए एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ में एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर कर दूँ, इसमें जो टक्कर होता है दोस्तों ये वाला, बिल्कुल ये गाइड रॉड के नीचे जो है टक्कर होता है, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए जिस तरह के अभी इस पिस्टल में लगाया गया है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का इसमें टक्कर इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसका जो बैरल इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, 10.45 का ये बैरल है दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी के हामिल का बैरल है। इस ब्रिटा में जो है छोटे ब्लॉक में तकरीबन 3 किस्म के बैरल मिलते हैं यहाँ लोकली अवेलेबल पिस्टल्स में से, तो ब्रिटा में तकरीबन 6-7 किस्म जो है बैरल मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेल होने वाला पिस्टल है ये, वो काफ़ी ज़्यादा सेल होता है ये पिस्टल, इस वजह से इसमें वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा मौजूद है इसमें वेराइटी। और अगर इस पिस्टल के प्राइस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस पिस्टल की कीमत 35,000 रुपये, कहीं पे 35,000 रुपये है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 25 है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी वाला पिस्टल है दोस्तों उसकी कीमत तकरीबन 30 से 35 के दरमियान ये अच्छे क्वालिटी में ये पिस्टल आपको मिल सकता है, बेहतरीन क्वालिटी में ये पिस्टल आपको मिल सकता है। इसके आई साइट्स जो है दोस्तों, जिस तरह ग्लाव में आई साइट्स जो है इसके प्लास्टिक के होते हैं, इस तरह इसमें आयरन यानी लोहे के आई साइट्स जो है लगाए गए हैं दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन जो लोकल पिस्टल्स में साइट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें ब्रिटा में सबसे अच्छे आई साइट्स जो है लगाए जाते हैं दोस्तों। इसी तरह आते हैं इस पिस्टल पे, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सेम ही पिस्टल है, सेम ही मैगजीन कैपेसिटी है, सिर्फ इसके मटेरियल के बारे में बताऊँगा। इसमें जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, इसमें 7050 का एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये इस तरह देख के पकड़ के इस्तेमाल करके आपको अंदाज़ा लगाया, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आपको इस तरह वीडियो से इसका अंदाज़ा नहीं होता, फिर भी मैं एक सिर्फ एक्सप्लेन जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें जो एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है जो कि जो सबसे बड़ा रफ एल्यूमिनियम है वो इस्तेमाल किया गया, इस क्वालिटी का पिस्टल आपको तकरीबन 25,000 का मिल सकता है मार्केट से, तकरीबन 25,000-23,000 इतने 23 से 25 के दरमियान आपको इस क्वालिटी का पिस्टल मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो पिस्टल है ये ख़रीदना नहीं चाहिए। इसके अलावा इसमें जो आई साइट लगाया गया है, जो आयरन साइट लगाया गया है दोस्तों, तो ये प्लास्टिक का है दोस्तों इसमें जो लगाया गया है, ठीक है। इसमें जो था इस वाले पिस्टल में वो लोहे का था, इसमें प्लास्टिक का लगाया गया है। इसी तरह इसके जो बैरल है दोस्तों वो भी जो है नॉर्मल क्वालिटी की बैरल लगाई गई है, मैं बजाते खुद इस पिस्टल पे जो है फायर भी करने को बकाया, क्या ये फायर करेगी? तो बिल्कुल फायर करेगी दोस्तों, ये सारे पिस्टल बनाए ही इसी मकसद के लिए गए हैं कि ये
फायर करें। तकरीबन मैंने इस पे, हाँ मैं ज़रा इसे कोल के ना अंदर से भी आप लोगों को जिस तरह दूसरा पिस्टल दिखाया था उस तरह दिखा दूँ। ये देखें दोस्तों, उस पिस्टल को कोल के और इस पिस्टल को कोल के, मतलब इस तरह लाइवली कोल के, पता चलता है कि ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये थोड़ा सस्ता यानी कमज़ोर एल्यूमिनियम जो है इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसमें जो कारीगर भी इस्तेमाल किया गया है वो भी थोड़ा सा, थोड़ा नहीं यार, कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ता सा कारीगर इसमें इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। बताया फंक्शनैलिटी के लिए सबसे परफेक्ट है दोस्तों, फंक्शनैलिटी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपने वीडियो के लास्ट पिस्टल की तरफ, जो कि 10 शॉट पिस्टल है दोस्तों, 30 बोर। तो दोस्तों ये पिस्टल्स जो है, ये इससे पहले जो तीन पिस्टल दिखाए हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों पिस्टल जो है ये सिंगल है। ये जो पिस्टल है ये ब्रेस्ट भी है, सिंगल भी है। ये जो है बटन, ब्रेस्ट और बटन सिंगल जो है, ये चेक कर लो। अब इन दोनों पिस्टल में से भी देखो, अगर मैं इसे इस तरह आप लोगों को इस तरह पकड़ के दिखाऊं तो दोनों के दोनों सेम टू सेम लग रहे होंगे आपको, ठीक है। लेकिन इस पिस्टल की क्वालिटी में और इस पिस्टल की क्वालिटी में जमीन और आसमान का फर्क है दोस्तों। इसमें जो कारीगर इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। दूसरी बात, इसमें जो इस पिस्टल में जो बैरल इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, ये ओरिजिनल 30-6 का बैरल इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके बरअक्स अगर इस पिस्टल की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें जो बैरल इस्तेमाल किया गया है ये आम जो यहाँ पर लोकली तैयार होता है जो बैरल, तो इसमें वो वाला बैरल इस्तेमाल किया गया है। मैं इस तरह कह दूँ कि इसमें 1000 रुपये का बैरल इस्तेमाल किया गया है और इसमें 4000 रुपये का बैरल इस्तेमाल किया गया है, तो ज़ाहरी बात है इसमें फ़र्क तो होगा। इसके अलावा इसमें जो कारीगर इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो कारीगर इस्तेमाल किया गया है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है उसमें दोस्तों। ये 10 शॉट पिस्टल है दोस्तों, और इस पिस्टल की कीमत ये जो अभी मेरे हाथ में है, मतलब अगर अच्छे कारीगर से और अच्छे मटेरियल से तैयार की गई जो है 10 शॉट पिस्टल, तो इस पिस्टल की तकरीबन कीमत 20 से 25 के दरमियान होती है। और अगर इस तरह नॉर्मल कारीगर से और नॉर्मल मटेरियल से तैयार किया जाए तो वही 10 शॉट पिस्टल आपको तकरीबन 17 से 20 के दरमियान मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले इंशाल्लाह एक वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।